इस वीडियो का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विली के बारे में, क्योंकि इससे पहले का मैटर था वो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विली, सिंगुलर विलस। देखिए हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पर हमने ये इंटेस्टाइनल वॉल बना ली, ठीक है। ये क्या है, दिस इज़ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये ट्यूब क्या है, दिस इज़ द इंटेस्टाइन। और ये जो अब अंदर की जो दीवार है, अंदर की तरफ से क्या होगा, ये लाइक दिस, इस तरीके से अंदर की दीवार ऐसी फोल्डेड फॉर्म में आ जाएगी। ये आउट ग्रोथ बना रही है, इज दैट क्लियर, लाइक दिस। ऐसे ही अंदर की दीवार इधर की तरफ से क्या है, ये फोल्डेड फोल्ड हो गई है, और फोल्ड हो गई है, आउट ग्रोथ बना रही है। और इन आउट ग्रोथ को हम क्या कह रहे हैं, इन आउट ग्रोथ को हम विली कह रहे हैं, इज दैट क्लियर, क्या कह रहे हैं, विली। तो देखिए अगर हम विली का स्ट्रक्चर देखें तो लेट्स टेक ए लुक ऑन द स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द विली ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, दिस इज़ द आउट ग्रोथ, दिस इज़ द आउट ग्रोथ ऑफ इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, क्लियर। और इस आउट ग्रोथ को अगर आप देखें, कोई भी जैसे हमारी इंटेस्टाइनल है, इंटेस्टाइनल वॉल है, तो उस सरफेस पर क्या होगी, स्किन होगी, और स्किन में क्या होती है, एपिथेलियल सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, एपिथेलियल सेल्स। और यहाँ से ये एपिथेलियल सेल्स का ये पूरा इस तरीके से कॉलम है। अब एक एपिथेलियल सेल को हमने मैग्नीफाई करके देखा है, और हमने ये देखा है कि दिस इज़ द सिंगल एपिथेलियल सेल। और इस सिंगल, ये जो सिंगल एपिथेलियल सेल है, मैं इसको यहाँ से बना रही हूँ, फिर से इस सेल के अंदर जाहिर सी बात है क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से क्या इस तरीके से फोल्डिंग लिए हुए है, क्लियर। और इन्हीं फोल्डिंग को क्या कह रहे हैं, माइक्रोविली, क्लियर। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस हमें लगती है। दूसरी चीज़ देखिए कि अब ये जो फोल्डिंग, ये जो आउट ग्रोथ है, ये जो आउट ग्रोथ है किसकी, इंटेस्टाइन की, ठीक है, अंदर की तरफ। इस आउट ग्रोथ के अंदर क्या मौजूद है, देखिए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पर ही क्या है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज दिया हुआ है, जिसको क्या कह रहे हैं, कैपिलरी नेटवर्क, क्लियर। तो ये वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, ये हमें कैसे दिखाई गई हैं, रेड, क्यों, क्योंकि इन ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इन वेसल्स में, इन ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, दैट ब्लड इज़ रिच इन ऑक्सीजन, इसलिए इसको किस तरीके से दिखाया गया है, रेड कलर से। और अगर हम देखें यहाँ पर, अब ये वाली जो है, ये वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, दीज ब्लड वेसल्स, जो कि हमें ब्लू कलर से नज़र आ रही हैं, किससे नज़र आ रही हैं, ब्लू कलर से, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स क्या हैं, ये ब्लू हमें क्यों लग रही हैं, क्योंकि इनमें जो ब्लड है, दैट इज़ नॉट ऑक्सीजन रिच, दैट इज़ नॉट ऑक्सीजनेटेड, या हम कहेंगे कि इन ब्लड वेसल्स के अंदर कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, डी ऑक्सीजनेटेड, यानी इस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज़ द आर्टेरियोल, ठीक है। हम वैसे भी कहते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, आर्टरीज में, आर्टरीज हैव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये आर्टरीज की ब्रांचेस ही तो हैं, ठीक है, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, आर्टेरियोल कह रहे हैं। और इधर देखें, ये जो ब्लू कलर की है, इसको हम ये कहते हैं कि जो वेन्स होती हैं वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये वेन की ही तो ब्रांच है, इज दैट क्लियर, ये क्या, वेन की ही तो ब्रांच है, तो इसलिए इसको आप क्या कह सकते हैं, वेन्यूल, क्या कह सकते हैं, दिस इज़ द वेन्यूल, जो क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। इसके अलावा देखिए एक लिम्फ वेसल भी दी हुई है, क्या दी हुई है, लिम्फ वेसल, ये येलो कलर से जो है, दिस इज़ द लिम्फ वेसल यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें अगर आप देखें ध्यान से, तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज द आउट ग्रोथ ऑफ इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, क्लियर। चलिए, तो हमने देखा
कि जैसे हमारी स्किन है, सपोज़ हमारी स्किन भी ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाए, हमारी स्किन क्या हो जाए, ऐसे फोल्ड हो जाए, ठीक है। ऐसे ही जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर की जो दीवार की स्किन है वो कैसे हो गई, फोल्ड हो गई है। और इसके अंदर क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं, क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं और लिम्फ वेसल है। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, और इन्हीं आउटग्रोथ को क्या कह रहे हैं, विली कह रहे हैं। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? यस ऑफ कोर्स। देखिए जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, वो और ख़ास तौर से उसका जो लास्ट का पोर्शन होता है, वहाँ पर मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। किसका? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। इज दैट क्लियर। और एब्जॉर्प्शन के लिए जितना ज़्यादा सरफेस होगा, इंटेस्टाइनल वॉल का जितना ज़्यादा सरफेस होगा, सरफेस एरिया होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा। सो टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराने के लिए जो इंटेस्टाइनल वॉल हैं वो क्या बना लेती हैं, इस तरीके की फोल्ड या आउटग्रोथ बना लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये यहाँ पर हमें लिखा हुआ भी है। देखिए, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, यहाँ पे होना चाहिए फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। क्लियर। ईच विलस, हर एक विलस जो होती हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, ठीक है। हमने अभी आपको दिखाया था वेन्यूल और एट्रियोल, तो ये क्या होती हैं, थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, क्लोज टू इट्स सरफेस। द और वो किसके क्लोज होती हैं, किसके, जो हमारी विलस है उसके सरफेस के क्लोज होती हैं। द सरफेस ऑफ द विलस एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटीरियल, यहाँ पे हमें प्रॉपरली कहना चाहिए कि जो विलस होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं डाइजेस्टेड फूड मटीरियल को, यानी डाइजेस्टेड न्यूट्रिय, हमें कहना चाहिए एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड मटीरियल। इज दैट क्लियर। इसको हम क्लियरली यहाँ पर समझेंगे किस तरीके से, कि देखिए ये यहाँ पर जो ये आउटग्रोथ हमें ये दे रखी है, दिस इज़ द, तो ये सपोज़ ये जो एरिया है ये इंटेस्टाइन के अंदर का है, और यहाँ पर चारों तरफ क्या है, दिस इज़ द डाइजेस्टेड फूड, दिस इज़ द डाइजेस्टेड फूड, और इस डाइजेस्टेड फूड में क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, ये यहाँ पर क्या है, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होगा, दीज न्यूट्रिएंट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जो एक एपिथेलियल सेल निकाल ली है, तो इन सेल्स ने ये जो माइक्रोविलाई हैं, ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये माइक्रोविलाई के थ्रू कहाँ चले गए, सेल के अंदर, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए न्यूट्रिएंट्स कहाँ जा रहे हैं, इन सेल को क्रॉस करके अंदर जा रहे हैं, और अगर हम देखें तो कहाँ पर आ गए अभी ये न्यूट्रिएंट, इनसाइड द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के ये अंदर आ गए हैं। तो न्यूट्रिएंट्स आर कमिंग इनटू द ब्लड कैपिलरीज, इज दैट क्लियर। किसको पार करके, एपिथेलियल सेल लेयर को, ये जो एपिथेलियल सेल लेयर है इसको पार करके, क्लियर। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस में, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के अंदर आ रहे हैं, यानी ब्लड के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटीरियल, द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज, यानी जो एब्जॉर्ब्ड क्या है, सिंपलर न्यूट्रिएंट है, आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स इन जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। क्लियर। अब क्या होगा कि इंटेस्टाइनल जो विली हैं, विली ने एब्जॉर्ब कर लिया न्यूट्रिएंट को, और किसको पास ऑन कर दिया, ब्लड कैपिलरीज को। अब चूंकि हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करता रहता है, तो ब्लड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट तक जाएंगे। क्लियर। और उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम, हाँ जी ठीक है, ऑफ द वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज, जैसे कि प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब देखिए जो ब्लड के अंदर क्या मौजूद है, न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, और वो जो ब्लड है वो न्यूट्रिएंट
को लेकर जाएगा हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक, ठीक है, हमारे बॉडी की और दूसरी सेल्स तक, ठीक है। अब सेल्स में जाके वो न्यूट्रिएंट्स फिर से कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएंगे, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ठीक है। अगर मान के चलो कौन सा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया है, अमीनो एसिड, कौन सा किया है, अमीनो एसिड, तो फिर अमीनो एसिड कंबाइन होकर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से, किस तरीके से जो सिंपल जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एब्जॉर्ब किए हैं वो हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स में जाके दे गेट स्टोर एंड दे आर यूज टू मेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ठीक है। इन सेल्स, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, इन सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और सेल्स के अंदर ग्लूकोज का क्या होता है, देखिए, क्योंकि सेल्स एक कोशिकाओं में क्या मौजूद होती है, ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड, इज दैट क्लियर। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, और जो फूड अनडाइजेस्टेड है और अनएब्जॉर्ब्ड है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर, हमारी आंत के अंदर जो बाकी बचा कुचा रह गया है, यानी जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है या जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया है, वो किस में एंटर कर जाता है, वो एंटर कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, क्लियर। नाउ कम टू द लार्ज इंटेस्टाइन, अब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन को हम क्या कहते हैं, ये लार्ज क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसकी मोटाई ज़्यादा होती है, हालांकि इसकी लेंथ कम होती है, ठीक है। तो ये क्या है, वाइडर, यानी कि ये चौड़ी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और कैसी होती है, शॉर्टर होती है, किसके कंपैरिजन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन कितने मीटर की होती है, 7.5 मीटर की होती है, 7.5 मीटर की होती है, वहीं पर जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो कितने मीटर की है, 1.5 मीटर की, क्लियर, 1.5 मीटर इन लेंथ। नेक्स्ट, इट्स फंक्शन, इसका जो फंक्शन है वो क्या है, इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड बचा कुचा जो फूड मटेरियल आया है, ठीक है, उसमें से पानी और जरूरी मिनरल्स को या सॉल्ट को वापस एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, इज दैट क्लियर। द रिमेनिंग वेस्ट, अब क्या है, अब जो रिमेनिंग वेस्ट बचता है पासेस इनटू द रेक्टम, वो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। तो यहाँ पर आ गया, अब हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो रिमेनिंग बचा है फूड, वो कहाँ पर आ गया है, रेक्टम में, एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस। और यहाँ पर कैसे रहता है, किसके फॉर्म में रहता है, सेमी सॉलिड, मतलब कम्प्लीटली सॉलिड नहीं होता है, सेमी सॉलिड की फॉर्म में होता है, फीसेस को हम कहते हैं मल, क्लियर। द फीकल मैटर इज रिमूव्ड, अब फीकल मैटर जो है वो रिमूव किया जाता है विद, कहाँ से, वाया एनस, ठीक है, टाइम टू टाइम। और जब हम फीकल मैटर को रिमूव करते हैं थ्रू द एनस, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इजेशन कहेंगे, ठीक है। सो वाट इज इजेशन, इट इज़ द रिमूवल ऑफ फीकल मैटर, रिमूवल ऑफ फीकल मैटर थ्रू द एनस, एनस के थ्रू, क्लियर। नेक्स्ट, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओवर द डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, सो लेट्स स्टार्ट। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउ, बफेलोस एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कॉन्टिन्यूसली इवन वेन दे आर नॉट ईटिंग, क्या आपने गाय, भैंस या दूसरे घास खाने वाले एनिमल्स को लगातार च्यूइंग करते हुए देखा है, और जबकि वो एक्चुअल में नहीं ईट कर रहे होते, वो ग्रेजिंग नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी वो आराम से बैठ के जस्ट वो च्यूइंग कर रहे होते हैं, मुंह चला रहे होते हैं, तो व्हाट इज़ दैट, वो एक्चुअली में वो प्रोसेस क्या है कि वो प्लांट पार्ट्स को तोड़ कर नहीं खा रहे हैं, दे आर नॉट स्वेलोइंग, जस्ट दे आर च्यूइंग, एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास
तो वो क्या करते हैं, घास को जब वो ग्रेजिंग करते हैं तो वो घास को जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ स्टोमक कॉल्ड रूमेन। और ग्रेजिंग करते समय वो जल्दी जल्दी घास को खाते हैं और जल्दी जल्दी इसको स्वेलो करके अपने स्टोमक के एक पार्ट में, एक चैम्बर में उसको स्टोर कर लेते हैं और उस चैम्बर को कहते हैं रूमेन। हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड। अब रूमेन के अंदर जो फूड है, जो उन्होंने घास खाई है, वो पार्शली उसका डाइजेशन होता है और पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहेंगे, कड। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ। अब ये जो कड है वो रूमेन से फिर वापस कहाँ पर आ जाता है, वो माउथ में आ जाता है। और जब वो माउथ में आ जाता है, इन स्मॉल लम्ब्स, छोटे छोटे लम्ब्स में वो आता रहता है एंड एनिमल्स च्यूज इट। और फिर उन लम्ब्स को, उस कड को क्या कहते हैं, एनिमल फिर से प्रॉपरली उसको च्यू करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और ऐसे एनिमल्स जो कि रूमिनेशन करते हैं या जिनका, जिनके अंदर जो स्टोमक में एक और चैम्बर होता है, दैट इज रूमेन, उनको हम रूमिनेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। जो घास है, जो घास होती है उनमें कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म होती है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि ग्रास के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, इट इज़ या जो भी ग्लूकोज होता है, इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इन रूमिनेंट्स जैसे कि लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। और रूमेन के अंदर कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऐसे एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो सेलुलोज का डाइजेशन कर दें। इट मीन्स व्हाट, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द रूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। मैनी एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, तो हम लोगों के अंदर सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन वो हमारे जो फूड है उसका वेट बढ़ाता है। बट सेलुलोज डू नॉट डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन बींग्स। तो देखिए, जो काऊ के अंदर डाइजेशन है इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में क्या कहते हैं कर लेते हैं। लेट्स सी दिस। ये देखिए यहाँ पर, ये इस तरीके से एनसीईआरटी के अंदर हमें ये डायग्राम दिया हुआ है। दिस डायग्राम इज गिवन हियर। यहाँ पर देखिए, ये जो फूड पाइप है, दिस इज ईसोफेगस, और ईसोफेगस इज ओपनिंग इनटू ए चैम्बर, और इस चैम्बर का नाम क्या है, रूमेन। इज दैट क्लियर। यहाँ पर ये जो पोर्शन दिया हुआ है, दिस इज द सीकम, ठीक है। और यहाँ पर दिस इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो स्टोमक के बाकी के जो दूसरे चैम्बर्स हैं, ये सब वो हैं। इज़ दैट क्लियर। तो इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी द डायग्राम अगेन। दिस इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन काउ। काउ में देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं, यस, दिस इज़ द ईसोफेगस। ये क्या है, ईसोफेगस है, ठीक है, ये पूरा। और ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं, दिस पोर्शन, दिस इज़ व्हाट, रूमेन। ये पूरा पोर्शन क्या है, रूमेन है। क्लियर। तो रूमेन इज़ द फर्स्ट चैम्बर, रूमेन इज़ द फर्स्ट चैम्बर। नेक्स्ट देखिए, सेकंड चैम्बर अगर हम देखें, और ये हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, द पाथ ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ फूड, कि फूड का ट्रांसफ़र होने का पाथ क्या है। तो सबसे पहले भोजन किस में आया, रूमेन में। फिर रूमेन के बाद में जो भोजन है वो रूमेन से कहाँ पर जाता है, वापस माउथ में। कहाँ पर जाता है, वापस माउथ में फॉर फर्दर च्यूइंग, जिसको हम रूमिनेशन कहते हैं। अब क्या होगा, अब माउथ से कहाँ पर आएगा, रेटिकुलम के अंदर। कहाँ पर आएगा, रेटिकुलम के अंदर। इज़ दैट क्लियर। यहाँ पर भोजन आ गया, ठीक है। अब रेटिकुलम के बाद में भोजन कहाँ जाएगा, ओमेसम के अंदर। कहाँ पर जाएगा, ओमेसम के अंदर। फिर ओमेसम से जो भोजन है वो कहाँ जाएगा,
एबोमेसम के अंदर, और फिर एबोमेसम से जो भोजन है वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इज दैट क्लियर? और देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं, दिस इज़ द सीकम, दिस इज़ द सीकम एंड दिस इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इज दैट क्लियर? दिस इज़ द, जस्ट ए मिनट, दिस इज, दिस पोर्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस पोर्शन इज सीकम, दिस इज CAECUM, इज दैट क्लियर? दिस इज सीकम एंड दिस पोर्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, अब हम इसी प्रोसेस को, इसी जो प्रोसेस हम देख रहे हैं या फिगर के माध्यम से, इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, कैटल्स क्विकली स्वेलो, यहाँ पर ये दिस इज द ग्रास, जो कैटल्स होते हैं वो घास को जल्दी जल्दी स्वेलो कर लेते हैं, सटक लेते हैं, एंड स्टोर इन र्यूमेन, और इसको कहाँ स्टोर कर लेते हैं, र्यूमेन के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और र्यूमेन क्या है, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट, इट इज़ द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टोमक ऑफ द काउ। अब र्यूमेन के अंदर क्या होता है, इन र्यूमेन फूड यानी जो भी ग्रास घास उसने खाई है इस पार्शियली डाइजेस्टेड, ठीक है, उसका पार्शियल डाइजेशन होता है, और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं, कड़ कहते हैं। इज दैट क्लियर? देखिए अब र्यूमेन के अंदर कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया रिलीज करते हैं सेल्युलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को, एंड दीज एंजाइम्स एक्चुअली डाइजेस्ट द सेल्युलोज दैट इज प्रेजेंट इन द फूड और ग्रास। नेक्स्ट देखिए, नाउ जो कड है, कड क्या होगा, वो र्यूमेन से माउथ में फिर से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, इन स्मॉल लम्स, एंड एनिमल च्यू द कड अगेन, और फिर से आ गया है र्यूमेन से, उसको फिर से जो काउ है वो च्यू करेगा, और च्यूइंग ऑफ कड, कड की च्यूइंग को हम क्या कहेंगे, र्यूमिनेशन, क्या कहेंगे, र्यूमिनेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब जो च्यूड कड है वो पास होता है कहाँ, रेटिकुलम पे, तो रेटिकुलम क्या है, दिस इज द सेकंड चैम्बर, दिस इज द सेकंड चैम्बर ऑफ द काउ स्टोमक, यहाँ पर फर्दर डाइजेशन होगा किसका, च्यूड कड का। इज दैट क्लियर? अब क्या होगा, फ्रॉम रेटिकुलम जो डाइजेस्टेड कड है, ठीक है, या डाइजेस्टिंग कड है जो भी है, इज मूव्ड टू द ओमेसम। अब रेटिकुलम से डाइजेस्टेड या डाइजेस्टिंग कड कहाँ जाएगा, ओमेसम में, और ओमेसम क्या है, ये तीसरा हिस्सा है या तीसरा चैम्बर है, और ये स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा चैम्बर होता है, ठीक है, काउ के स्टोमक का। जो ओमेसम होता है वो अंदर से क्या होता है, थोड़ा फोल्डेड होता है, ओमेसम अंदर से कैसा होता है, फोल्डेड होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, और ओमेसम के अंदर फर्दर डाइजेशन होगा, क्लियर, और क्या होगा, फर्दर डाइजेशन ऑफ कड विल टेक्स प्लेस, और इसके साथ ही जो कड में एक्सेस वाटर है, जो भी कड के अंदर एक्सेस वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर के साथ साथ बाइकार्बोनेट्स का भी एब्जॉर्प्शन होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, फूड यानी कि कड इज सेंट टू द एबोमेसम। अब ये जो फूड है, जो भी डाइजेस्टिंग कड है, वो किस में चला जाएगा, लास्ट एबोमेसम के अंदर, ठीक है, एंड एबोमेसम इज द फोर्थ, इट इज द फोर्थ चैम्बर ऑफ द स्टोमक, क्लियर। एबोमेसम को हम ट्रू स्टोमक भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रू स्टोमक, क्योंकि बिकॉज इट सिक्रीट्स एसिड, ये क्या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स एसिड्स दैट किल्स, जो कि मारते हैं किसको, बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन द कड। नाउ
फूड इज सेंड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब जो फूड है वो छोटी आंत में भेज दिया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ पर कड का डाइजेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, डाइजेशन ऑफ द कड इज कंप्लीटेड हियर. अब फुल्ली डाइजेस्टेड जो कड है, फुल्ली डाइजेस्टेड, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे दे विल गेट एब्सॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइनल वॉल्स. इज दैट क्लियर? वो इंटेस्टाइनल वॉल्स से क्या कर लिए जाएंगे, एब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे. देखिए, छोटी आंत और बड़ी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं. ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड इज सेंड टू द डाइजेस्टेड कड. हम कहना चाहिए डाइजेस्टेड कड इज सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन. वो कहाँ चला गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया है. यहाँ पर क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, कि जो डाइजेस्टेड फूड है उससे क्या होगा, क्या कहते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा. क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा बाय द लार्ज इंटेस्टाइनल वॉल. इज दैट क्लियर? और जो भी रिमेनिंग बचेगा, ठीक है, अब देखिए, अब रिमेनिंग में क्या बचा, वेस्ट ही तो बचा, क्योंकि अब डाइजेस्टेड फूड में से सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गए, जितने मिनरल्स थे वो एब्जॉर्ब हो गए, पानी एब्जॉर्ब हो गया. तो अब क्या बचा, जो थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा है, ठीक है, वो क्या होगा, एक्सक्रीट होगा किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ एनस. इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि काऊ का जो स्टोमक होता है उसके चार पार्ट होते हैं, चार हिस्से होते हैं, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम. स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में थोड़ा बड़ा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा ये क्या करता है, इट ब्रेक्स डाउन सम प्रीवियसली अनडाइजेस्टेड फाइबर. लेकिन जो एग्जैक्ट फंक्शंस है या जो एग्जैक्ट इम्पोर्टेंस है वो सीकम की अभी तक नोन नहीं है, इट इज़ अननोन. इज दैट क्लियर? सो होपफुली गाइज, आपको काओ के अंदर जो क्या कहते हैं डाइजेशन का प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब देखिए, काओ का जो र्यूमेन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि बैक्टीरियाज होते हैं, क्लियर, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गाय के लिए भी बेनिफिट में है और गाय उनके लिए बेनिफिट में है. इज दैट क्लियर? तो देखिए, र्यूमिनेंट यानी कि काऊ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या आपस में कनेक्शन है. देखिए, र्यूमिनेंट सप्लाइज सेल्युलोज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमने आपको बताया था कि काऊ का जो र्यूमेन है, ठीक है, फूड गोज टू द र्यूमेन फ्रॉम द माउथ. फूड कहाँ जा रहा है, इट इज़ गोइंग टू द र्यूमेन. और फूड में क्या मौजूद है, सेल्यूलोज है, और र्यूमेन में क्या मौजूद है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इट मींस व्हाट, कि अब कि जो सेल्यूलोज है वो किसको मिलने वाला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. सो दैट्स व्हाई क्या हुआ, फूड कंटेनिंग सेल्यूलोज इज गोइंग इनसाइड द र्यूमेन वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट. हियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल डाइजेस्ट द सेल्यूलोज. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, रूमिनेंट्स में क्या होता है, फैट्स आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट्स. तो रूमिनेंट्स के द्वारा फैट्स का डाइजेशन नहीं होता है. फैट्स आर डाइजेस्टेड बाय द माइक्रोब्स. इनको कौन डाइजेस्ट, फैट को कौन डाइजेस्ट करता है, माइक्रोब डाइजेस्ट करते हैं, किसमें, टू द फैटी एसिड. जब फैट का डाइजेशन होता है, फैट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. इज दैट क्लियर? और जब इसका डाइजेशन होगा तो वो सिंपल फॉर्म में आएगा और फैट की सिंपल फॉर्म को हम क्या कहेंगे, फैटी एसिड. क्या कहेंगे, फैटी एसिड. तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, वो फैट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, फैटी एसिड में, विच आर यूज बाय द रूमिनेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया, रूमिनेंट सप्लाई अमीनो एसिड्स टू माइक्रोब्स. रूमिनेंट के जो
के अंदर जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनको कौन यूज़ करते हैं? माइक्रोब्स। क्लियर। अब देखिए, माइक्रोब्स यूज़ द अमीनो एसिड्स टू बिल्ड प्रोटीन्स विच आर यूज्ड बाय द रूमिनेंट्स। देखिए, हमने आपको बताया था कि रूमेन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलुलोज को डाइजेस्ट कर रहे हैं। क्लियर। इसके अलावा रूमिनेंट्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है दे आर डाइजेस्टिंग द फैट। ठीक है। अब रूमिनेंट्स के अंदर जब डाइजेशन के दौरान जब प्रोटीन्स से अमीनो एसिड्स बनते हैं, यानी प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन किस में आएंगे? अमीनो एसिड के फॉर्म में, तो माइक्रोब विल यूज़ द अमीनो एसिड्स। ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं व्हाट रूमिनेंट सप्लाई अमीनो एसिड्स टू माइक्रोब्स। क्लियर। और ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, अगेन दीज यूज़ द अमीनो एसिड्स, फिर से क्या करेंगे, अमीनो एसिड का यूज़ करके दे विल मेक द प्रोटीन्स। ठीक है। और उन प्रोटीन्स को फिर से क्या रूमिनेंट्स यूज़ करते हैं। इन दिस केस आफ्टर द कंप्लीट डिस्कशन वी कम टू नो दैट रूमिनेंट्स आर बेनिफिटेड बाय द माइक्रोब्स, कि रूमिनेंट्स को यानी गाय भैंस बकरी इन सब को क्या कहते हैं, बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद माइक्रोब्स से। इज दैट क्लियर। और माइक्रोब्स को भी क्या होता है, फ़ायदा होता है, बिकॉज वो उनको क्या मिलता है, दे गेट अमीनो एसिड्स। इज दैट क्लियर। एंड दे गेट इस सेफ एनवायरनमेंट टू लिव, सेफ शेल्टर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, सो होपफुली अब आपको ये पूरा डाइजेशन से रिलेटेड इन रूमिनेंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा।